आ रहा है। अभी इसके ऊपर चढ़ते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। ये जोगी है और इस साइड में सांप स्नेक भी रखा गया है, साथ में जोगी है, बात स्नेक भी पड़े, पिस्टल इस साइड पर पिस्टल पड़े हुए हैं, ये पिस्टल पड़े हुए हैं, ये बड़ी बंदूक पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है उसका करते हैं जी आगाज़। तो आज आ गया हूँ मैं उमरकोट फोर्ट में, तो आपको जो फोर्ट है वो दिखाता हूँ। पहले हम कुल्फ़ी खाते हैं, इस भाई साहब ने हमने कुल्फ़ी ली, आज हम आ गए फोर्ट में, आपको वो विज़िट करवाता हूँ और हमने ली है कुल्फ़ी, वो भी खाते हैं। उस्ताद इसको 40 पेरे दे यार, कूलर नहीं है, चुके नहीं है हमारे पास। कितने हैं तुम्हारे पास? 500। ये ना कुल्फी वुल्फी खा रहा है। ये कितनी दूध वाली है, कैसी है? दूध वाली है, पानी वाली है? दूध वाली मुझे तो नहीं लगती। तो जी हमने कुल्फी ली, अभी हम आ गए फोर्ट में, आपको पूरा विजिट कराता हूँ। ये ना कितना ज़्यादा पुराना है, वो भी आपको किला दिखाता हूँ, जो हम मैं पहले दफ़ा भी आया हूँ और आज भी आया हूँ। तो हम यहाँ इसके पास खुले नहीं है, तो फाइनली व्यूअर्स अभी ना मैं जा रहा हूँ ऊपर जो किले पर, आपको वो दिखाता हूँ, ऊपर ने चढ़ रहा कर रहा हूँ, जो किले की फोर्ट की जो ऊपर वाली जो चढ़ाई है उसके ऊपर मैं जाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ये जो सीन आता है ना, ये आउट क्लास सीन आता है, बहुत ही मज़े का सीन आता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 गो, ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। अभी इसके ऊपर चढ़ते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। ये मुरीदशाहानी ऊपर चढ़ रहा है और ये भी किले, ये क्या लिखा हुआ है ये भी देख लें, किला उमरकोट, उमरकोट की तारीख पर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने उरूज, सारा कुछ पढ़ लें। ये इसी तरफ सिंधी में लिखा गया है लेकिन इस तरफ उर्दू में लिखा गया है, वो भी सारा कुछ इधर पड़ा हुआ है जी। तो चढ़ते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं क्या आउट क्लास अभी सीन आ रहा है। व्यूअर्स मैं ना ऊपर चढ़ रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में होगी, ऊंचाई इसकी अच्छी खासी ऊंचाई होगी। अभी देखें जी ये जा रहे हैं हम ऊपर और ये इसका व्यू है इधर जी ज़बरदस्त, और इधर देख सकते हैं जी ये सारी पुरानी इमारतों को भी रंग किया गया है। लेकिन मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है इधर साइड पर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई साहब। अभी मैं ऊपर चढ़ गया हूँ व्यूअर्स, ये देखें, ये देखें जी इधर ना झंडा था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन ये तोहफे हैं। ये भी मैं तकरीबन 3 चक्कर इधर आया हूँ और 3 चक्कर मैंने व्लॉग बनाया है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। मुझे ना वो सांस हो रहा है जी, ये ना मुझे ज़हनी मरीज़ बंदा लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह ना ज़हनी मरीज़ बंदा बैठा हुआ है, इस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं, वो ना आपस में बातें शातें कर रहा है, लेकिन मुझे ना ऊपर चढ़ाऊँ तो मुझे ना वो सांस आ रहा है, सांस में नहीं धड़का नहीं आ जाता, वो जुक रहे हाय। मेरे साथ जो मुरीद बंदा आया हुआ है ना, वो व्लॉग नहीं बना रहा मैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी इसकी तोहफ़ों की मैं आपको डिटेल बताऊं, तो ये तोहफ़े हैं मुगल के दौर की हैं, किसकी हैं? हाँ, उमर बादशाह के, ये दौर की हैं। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में वो ना गोली इस साइड पर डालते थे, ये इतना ज़्यादा इसका ना वो गोली वाला है, वो ना म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, वो मैं ये नहीं म्यूज़ियम दिखा रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ये म्यूज़ियम, इसमें पता नहीं कौन सी गोलियां शोलियां होती थी, तो इससे उड़ाते थे जो भी इसमें मुग़लों के दौरों की जी है, तो जो भी जंगे वंगे लगती थी तो ये बड़े उस ज़माने के हथियार हैं, ऐसे समझेंगे हथियार लगे हुए हैं तकरीबन, ये सारी साइड पर ना ये सारे ऐसे ही लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ना तोहफे हैं, किसी को उड़ाते हैं या पता नहीं, ये पुराने ज़माने की ओल्ड इज़ गोल्ड नहीं कहा जाता, ये इनको बहुत ज़्यादा ये पुरानी है, लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं लेकिन हम भी आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़माने की है, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की ये पड़ी हुई हैं। और इसी साइड पर देख सकते हैं जी ये सारी ओल्ड किस्म की, ये उमरकोट का ज़िला है जी, उमरकोट का किला फोर्ट कहा जाता है ना, वो ये सारा एरिया है देखें जी, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ये जमा ये जो आपको नहीं दिखाई दे रही इमारत, ये पुरानी है लेकिन इसको रिपेयर किया गया है, लेकिन उसको भी टाइल शाइल लगाई गए हैं, इमारतें भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसकी कुछ ना कुछ मरम्मत की जा रही है। इधर ना रोड शोड बनाया गया, इधर देख सकते हैं जी, तो इसकी हिफाजत भी की जा रही है, लेकिन आगे एक म्यूज़ियम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें झंडा नहीं लगा हुआ, और आज क्योंकि ईद का दिन नहीं है ना, वरना जो ईद का समय होता है ना उसी पर लोग बहुत ज़्यादा जी आते हैं। तो ये तोहफ़ा उस्ताद मेरी कैमरा मैनिंग कर,
क्योंकि आज मैं ना अपने पुराने कैमरामैन को साथ नहीं लेकर आया, आज मेरा कैमरामैन मुरीद शानी है जी। उठो, ये नहीं उठाओ तू, तेरे मोबाइल में फोकस कम कर, मेरी वीडियो व्लॉग बना दे, इधर आ जा थोड़ा, इधर आ जा। टिकटॉक बना रहा है मेरा व्लॉग, ध्यान से नहीं बना रहा, ये सारा टिकटॉक बना रहा है, लेकिन इस पर ना रसूलुल्लाह का नाम लिखा गया है, लेकिन वो किसी साइड पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, ये लिखा गया है इस पर ना पाँव वाँव रखना भी मना है, और सारा ये देख ले पढ़ लें, सिंधी में लिखा गया है सारा, और ये ना बंधा हुआ है रस्सियों में, इस पर पाँव वाँव रखना, क्या लिखा हुआ है, इस पर पाँव रखना भी मना है। और ये देख सकते हैं ये ना पुरानी इमारतें भी पड़ी हुई हैं इधर, और ये है वो उसका थंबा, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन जो आउट क्लास यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है ना, जो यहाँ पर व्यू दिखाई देता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, इतना मोबाइल में भी दिखने में नहीं आता जितना ज़्यादा इसमें मैं अपनी आँखों से दिखा रही पा रहा हूँ। लोग यहाँ से कराची से हैदराबाद से भी जो लोग आते हैं वो यहीं पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये विज़िट करके जाते हैं, ये क्योंकि ओल्ड किस्म का है और बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का है, ये किला है बहुत ही ज़बरदस्त है, और इस पर क्योंकि ये आपको किरान किरान दिखाई देगा, क्योंकि इसमें किसी भी इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हम लोग ईद पर आते हैं, लेकिन हम ईद से पहले आ गए हैं। तो ये सारा कुछ था जी, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये दी सीढ़ी वापसी जाने पर, ये भी बस देखें, ये ना पुराने ज़माने की, तकरीबन ये हमने देखा था 2000 तकरीबन दो की इमारतें हैं यहाँ कैसी, एक ना बिहार पर पहले भी आया था ना, इसी साइड पर ना एक बैनर बना हुआ था जिस पर सारा कुछ लिखा गया था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा पुरानी ये इमारत है, ये देख सकते हैं अभी इसकी मरम्मत चल रही है, लेकिन ये सारा ना टिकटॉक बना रहा है व्लॉग, अभी एक व्लॉग इसमें नहीं बनाया इसने, इसने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, लेकिन ये देख सकते हैं पुरानी ज़माने की, ये वैसी की वैसी पड़ी हुई है, सिर्फ इनका सीमेंट अभी इन लोगों ने उतारा, ये था सारा कुछ उतारा पड़ा हुआ है, लेकिन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, लेकिन ये रास्ता बनाया गया। अभी ना एक हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में, वो मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ, ये नहीं म्यूज़ियम एक सामने से जिसमें ओल्ड किस्म के हथियार हथियार भी जो भी सारे कुछ इसी में ही पड़े होते हैं, अभी मैं आपको म्यूज़ियम में जा रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और इसकी फीस भी है, फीस कितनी है वो भी मैं आपको जल कर दिखाता हूँ, उस फीस अभी मेरी तुम दोगे, मैंने सारी कुल्फियाँ और चाय वाय मैंने मुझे को अभी सारी फीस भी किलेगी मेरी, तू भरेगा। फाइनली व्यूअर्स अभी ना हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में, ये ना सामने से एक म्यूज़ियम है, ये ना म्यूज़ियम में, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम आ गए रमज़ान के महीने में, हम भी वांदे बंदे हैं रमज़ान के महीने में आ गए, लोग ईद पर आते हैं, हमने रमज़ान में आ चुके हैं। ये जी सारा कुछ ये अभी बनाया गया है, इधर पार्किंग बनाई हुई है और ये बैठने के लिए है, लेकिन ये है म्यूज़ियम और इधर भी कुछ पार्किंग बनाई गई है, लोग बैठते हैं, ये सामने से म्यूज़ियम है जी, अभी जा रहे हैं, ये गेट है, ये पार्क अभी बनाई है, ये किल, ये है म्यूज़ियम, अभी जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। टिकट वाले कहेंगे चले गए अंदर, पानी पीते चलेंगे ना, ये पानी पड़ा हुआ है उस्ताद, जब भी यहाँ पर आता है तो पानी तो पीता ही पीता है, वो आ गए हम से क्या करेंगे टिकट लेने के, वो देखो दिखाता हूँ उस्ताद, यहाँ पर डेली की बुनियाद पर आता है तो क्या लेता है, तो पानी पीता है, पी ले पानी, इसको गिरा दे, हमें मीरपुर खास चलना है ना, वहीं से आए तो भाई इसको ना 20 रुपया 40 रुपये दो मुरीद, 40 रुपये दो, 20 रुपये मेरे टिकट दो, 20 रुपये तुम्हारे, इसको ना 20 रुपये दो, ऐसे कर ऐसे ही 20 नहीं 40 रुपये दो, खुले 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 खुले, मेरे पास पैसे होंगे नहीं, मैं एक सुनिया बंदा हूँ, मेरे पास पैसे होंगे, मैं निकल जा समझिंग, हेलो वाह, ये भाई टिकट उस्ताद का हर जगह पर मैंने लगाया था, छुट्टे कौन है छुट्टे, चल भाई चल पकड़ उस्ताद, क्या हुआ सारे पैसे उस्ताद के नहीं नहीं बराबर दिए ना, नहीं केड़े हिसाब से बराबर भाई, सारे पैसे तुमने मेरे, मैंने इसके भरे भाई, ये भी आ गए मैंने व्यूअर्स, अभी जी हम जा रहे हैं, लेकिन आपको एक जाते जाते एक सीन में दिखा दूं, ये देखें जी, ये आप अभी मैं जा रहा हूँ आपको सीन थोड़ा बहुत दिखाता चलूँ, ये नहीं
ये देखें जी, ये फोर्ट का व्यू है, ये देखें जी। ये देखें जी, ये अभी कोर्ट है, जो कोर्ट के ऊपर चलें, चलो छोड़ते हैं ये बाइक, कह रहा है ये नहीं चलते, लेकिन ये देखें जी, ये जी अभी हम शहर में आ चुके हैं जी। मुझे ना जाना है तकरीबन, यार जूम हो गया, तो व्यूअर मुझे ना जाना है अकबर बादशाह का जो नहीं किला है या मज़ार है क्या है, उधर नहीं जाना। हमने गूगल पर मैप पर हमने सर्च किया हुआ है तो वो बता रहा है 6 मिनट का सफ़र है। हम ना अभी उमरकोट ज़िले में मौजूद हैं, तकरीबन 6 मिनट का यहाँ पर सफ़र बता रहा है हमें तकरीबन। इससे हम अभी होटल पर मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.6 km इसका मीटर का हिसाब है, तकरीबन होटल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी यही सोच है हम फोर्ट से होकर ये कौन सा है क्या इधर इधर हम जा रहे हैं वो क्या है, अकबर बादशाह का जी ज़िले का है वो ना, उसकी मज़ार है या क्या है, उधर हमें जाना है। तो हम इधर पर सर्च भी कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम बन रहा है, देखते हैं आगे के क्या होता है, प्रोसेस होता है। अभी व्यूअर्स फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, 2 बजे मेरी चाय, मुझे लाजमी अगर 2 बजे चाय मिल जाए ना, आए हाय। सांसर में नहीं पीना, सांसर में नहीं पीनी, ऐसे ही डायरेक्ट पीनी है। चाय आ गई 2 बजे, चाय और चाय का कप मेरे ख्याल में 50 रुपये का है। व्यूअर्स आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार है चाय, हाँ सर जी, उस्ताद जी चाय पी रहा है, ज़बरदस्त।